फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश किचन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरे सभी व्यूअर्स हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज मैं आपके लिए सबवे स्टाइल कुकीज की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कुकीज बनाने में जितनी इजी है, खाने में उतनी सुपर टेस्टी है। और साथ ही में आज हम इसमें अंडे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। उसके बावजूद हमारी जो कुकी है वो बिल्कुल आपको मार्केट की कुकीज की तरह लगने वाली है। सुपर टेस्टी और सुपर इजी कुकीज की रेसिपी को चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाउल में हम ये बटर डालेंगे। अमूल का बटर है, काफ़ी हार्ड है, ये बिल्कुल मेल्टेड नहीं है। और दूसरा है ये जैगरी, मतलब गुड़ की शक्कर है, ये डाल देंगे। और तीसरा है ये पाउडर शुगर, नॉर्मल शुगर को पीस के हमने उसका पाउडर बना लिया है। इन सभी को हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, इसे क्रीमिंग करना कहते हैं, जिसमें जो बटर होता है वो हार्ड होता है और हमें उसे शुगर के साथ में अच्छे से ब्लेंड करना होता है। अब आप जैसा देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, ये काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है। बट हम इसे टेस्ट करेंगे, अगर ये फ्लोट करता है पानी में दैट मीन्स हमारा जो बैटर है वो रेडी है, अदरवाइज़ हमें इसे थोड़ा सा और बीट करना होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं ये पानी में अच्छे से ऊपर ही ऊपर तैर रहा है, तो ये रेडी है। और अब हम इसमें 1/4 कप दूध डाल देंगे और इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। तो बिल्कुल थोड़ा सा हमने चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, अदरवाइज़ जो बटर है ना वो हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि बटर काफ़ी ठंडा है इस टाइम में। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है, साथ में इसमें 1/2 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 कप मैदा हमने इसमें और लिया है। तो टोटल 1.5 कप मैदा मैंने इसमें ऐड किया है और इसे हमें अब मिक्स करना है, बीट नहीं करना है। तो आप जैसा देख सकते हैं मैं इसे स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें चॉकलेट ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट्स के चंक्स काट लिए हैं इस तरह से बड़े बड़े, जब ये कुकीज़ में आते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप चाहें तो इसमें चॉको चिप्स भी डाल सकते हैं, पर चॉकलेट चंक्स जो होते हैं ना बड़े बड़े आते हैं मेल्ट होने के बाद में, बहुत ही बढ़िया लगते हैं कुकीज़ में। तो अब हम इसे कवर करके रख देंगे। कम से कम हमें इसे 1.5 से 2 घंटा रखना है और अगर आप ओवरनाइट रख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट दिया था, ये देखिए। और अब हम इससे कुकीज़ रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर रख लिया है एक बर्तन में, जिसमें भी हमें इसे कुक करना है, यानी बेक करना है सॉरी। तो आप देख सकते हैं मैं इसे सेम मेजर बने इसके लिए मैंने ये 1 मेजर इसके लिए तय किया। आप भी ऐसा ही कुछ तय कर लीजिएगा जिससे सारी कुकी जो हैं वो इक्वल हो जाएं। और यहाँ पे पतीला जो है गरम हो चुका है, तो हमें इसे बेक कर लेना है। 15 मिनट काफ़ी रहते हैं, मतलब आप 12 मिनट 13 मिनट के बाद में एक बार चेक कर लीजिएगा आपकी कुकीज़ हो गई कि नहीं, अदरवाइज़ 15 मिनट में ही रेडी हो जाती हैं। और ये देखिए 15 मिनट के बाद जैसा आप देख सकते हैं कुकी काफ़ी अच्छे से फूल गई हैं, ये देखिए। और ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं, इनके ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, गोल्डन कलर का। और अब हम इनको निकाल लेंगे और जब ये ठंडी हो जाए ना तभी आप इन्हें डिमोल्ड कीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत सॉफ्ट होती हैं, टूट जाएंगी ये। तो लीजिए गाइस, हमारी कुकीज़ बनके रेडी हैं, बहुत ही डिलीशियस और यमी लग रही हैं और खाने में भी सुपर टेस्टी हैं। एक बार आपने इन्हें बना लिया तो आप बाहर से कुकी लाना भूल जाएंगे, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही इजी है। और आपने देखा ना झटपट से बनके तैयार हो जाती है। आप डो को रेडी करके रख सकते हैं, मतलब रात में रख दीजिए तो मॉर्निंग में आप 15 मिनट में बनाकर बच्चों को इसको टिफ़िन में भी दे सकते हैं, मैं तो कई बार ऐसे ही करती हूँ। और ये देखिए अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से ये क्रंची है, बिल्कुल मार्केट की बेकरी जैसी बनके रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है, रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।